तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस फोटो को ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर शेयर करना होगा। तो हम फोटो को शेयर कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम ऑटोडेस्क स्केचबुक के अंदर अपने फोटो को शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद गाइज, आपको सबसे पहले इस फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड इरेज करने के लिए आपको सिंपल से इस ब्रश वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से ये हार्ड इरेजर वाला ब्रश ले लेना है और इसकी साइज़ पहले कम रखनी है, फिर बाद में बढ़ा देनी है। तो यहाँ से हम इसकी साइज़ को 7 रखते हैं और यहाँ से इरेज करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने बैकग्राउंड को इरेज कर लिया है। बैकग्राउंड को इरेज करने के बाद इसमें बैकग्राउंड को अब ऐड करना है। तो बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए इस तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से इम्पोर्ट इमेज वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ आ जाने के बाद आपको अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ से अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लूँगा। ये वाला हमारा बैकग्राउंड है तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से डन कर देते हैं। डन करने के बाद क्या है, आपको इस वाले ऑप्शन में चले जाना है और इसको टच करके रखना है और नीचे की तरफ ला देना है। तो हमारा फोटो बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगा। तो बैकग्राउंड को एडजस्ट करने के लिए फिर से इस वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ से ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन में जाएंगे तो हम अपना बैकग्राउंड एडजस्ट कर सकेंगे। इतना रखने के बाद इस फोटो को भी हम थोड़ा छोटा कर देंगे। तो फोटो में जाएंगे और फिर से ट्रांसफर वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। इस फोटो को हम छोटा कर देंगे। इतना करने के बाद हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया है। तो अब हम फेस को स्मूथ करेंगे। फेस को स्मूथ करने के लिए फिर से ब्रश वाले ऑप्शन में चला जाना है और लाइब्रेरी वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ आ जाने के बाद आपको स्मूथ वाला ब्रश ले लेना है, ये वाला जो दूसरी लाइन में दूसरे नंबर पर है, ये वाला ब्रश लेना है। इसकी सेटिंग आप लोग देख लीजिए इतनी रखनी है और हम इसे स्मूथ करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फेस स्मूथ हो चुका है। फेस स्मूथ होने के बाद अब हम हेयर पर एडिट करने वाले हैं। तो हेयर एडिट करने के लिए आप लोगों को ब्रश वाले ऑप्शन में चले जाना है और लाइब्रेरी में जाना है। लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको यहाँ से तीसरे नंबर वाले ब्रश को ले लेना है और इसकी सेटिंग आप लोग देख लीजिए, इसकी साइज़ को थोड़ा कम रख दीजिए और इसके कलर को वाइट कर देंगे। तो वाइट करने के बाद गाइज, हम इसे हेयर पर इस्तेमाल करेंगे। इसकी साइज़ को थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हेयर पे ब्रश काम करने लगा है। तो कहते आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हेयर एडिट हो गया। तो हेयर एडिट अच्छे से एडिट करने के लिए आप लोग को फिर से ब्रश वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से लाइब्रेरी में जाना है। लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको ये हेयर वाला ब्रश ले लेना है, यहाँ पे लास्ट से दूसरे नंबर वाला ब्रश ले लेना है और इसकी सेटिंग आप लोग देख लीजिए, इसकी साइज़ भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर इसके ऊपर ही ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से हेयर एडिट होने वाले हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे हेयर एडिट हो गए। हेयर एडिट हो जाने के बाद यहाँ पे हमें कट लगाना है, तो कट लगाने के लिए फिर से ब्रश वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ से लाइब्रेरी में जाएंगे। लाइब्रेरी में जाने के बाद आपको ये दूसरे नंबर वाला ब्रश सिलेक्ट कर लेना है, पहले नंबर वाला। इसकी सेटिंग आप लोग देखते हैं, इसकी साइज़ कम रखनी है, ठीक है। तो इसकी साइज़ हम इतनी रखेंगे और इसका कलर हम चेंज कर देंगे। तो कलर हम फेस वाला ही कलर यहाँ से ले लेंगे, ये वाला कलर ऐसे लेंगे और यहाँ से हम कट लगाएंगे इसका। तो कट लगाने के लिए आपको गाइडेंस वाले ऑप्शन में चले जाना है। चले जाने के बाद आपको इस टाइप का दिखेगा, तो इसको रोटेट करते रहना है, इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है अपने हेयर के अंदर। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ड्रॉ हो चुका है कट। इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे हम चश्मे का कलर चेंज करेंगे। चश्मे का कलर चेंज करने के लिए इस वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ से एक लेयर को लेना है। लेयर को लेने जाने के बाद ब्रश को वही सिलेक्ट करना है, सिर्फ यहाँ पे कलर चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये वाला कलर रखता हूँ और इसे यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। इसके साइज़ को थोड़ा बढ़ा देना है। गाइस यहाँ पे हमारे चश्मे में कलर हो चुका है। कलर तो जो अच्छे से करने के बाद करने के लिए इसके लेयर पे टिक करेंगे और इसके ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और इसको सॉफ्ट लाइट रख देंगे, ठीक है। सॉफ्ट लाइट रखने में आप लोग देख सकते हैं हमारा चश्मे का कलर थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसको हम HSL ऑप्शन वाले चले जाएँगे और यहाँ से इसके कलर को चेंज कर देंगे। तो ये वाला कलर रखेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। इतना करने के बाद गाइस हम फोटो को शेयर कर देंगे। तो शेयर करने के लिए इस फर्स्ट वाले बॉक्स पे सिलेक्ट करना है और यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ से अदर्स वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो फोटो शेयर में आ जाएगा। तो हम इस फोटो को टूल यूज एप्लीकेशन में शेयर करेंगे। तो टूल यूज एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर हमारा फोटो आ चुका है। तो फोटो को हम यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ से सॉफ्ट स्मूथ वाला ब्रश आप लोगों को दिख रहा है, इस ब्रश को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आपको नंबर पे सिलेक्ट कर लेना है एक दो। यहाँ पे हम हेयर का कलर चेंज करने वाले, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे हेयर का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे हमारा हेयर का कलर भी चेंज हो चुका है और इसके हेयर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगे हैं। तो यहाँ से हम इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मास्क वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और यहाँ से एप्ली वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। एप्ली वाले ऑप्शन में जाना नहीं है तो यहाँ पे क्लीन वाले ऑप्शन में चले जाएंगे और फिर एप्ली वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। एप्ली वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ पे हेयर पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे हेयर कितने यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाद में दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। तो गाइस यहाँ पे हमारे हेयर अच्छे से एडिट हो गए हैं, तो इस फोटो को हम सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं दूसरी वीडियो में।